एक बात की, जैसे कि मैंने जिक्र किया बॉलीवुड का, तो चलिए बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ कुछ इंटरेक्शन आप सभी से किया जाए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बॉलीवुड के कुछ बहुत ही फेमस मूवी के डायलॉग्स हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ. अगर आपको पता नहीं, कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज. Alright, so बहुत ही प्यारा सा आगाज हमारे शाम का हमारे बीच में लैम्प लाइटिंग सेरेमनी के साथ और माल्यार्पण. Alright, so ये वो चेहरे हैं जिनसे मिलने के लिए आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. And finally, ladies and gentlemen, the moment is here. Are you all excited and happy? Alright, so much. अब हमारे बीच में वो पर्सनालिटी इस स्टेज पे आने वाली है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर इक्वली एक्साइटेड एज आई एम. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू कॉल द वन एंड ओनली द वेरी टैलेंटेड मनीष पॉल. यहाँ पे अभी समीर सर आप आए थे, आपने कहा एक शाम समीर के नाम होनी चाहिए. सर अभी यहाँ से आदेश आ चुका है कि ऐसी शाम डेफिनेटली होगी और यहीं पे होगी. एक बार जोरदार तालियां. बट थैंक यू सो मच सतीश सर, रियली तहे दिल से थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. ट्रस्ट मी, यहाँ पे आने से पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना ज्यादा मजा आने वाला है और इतने सारे टैलेंटेड लोग मिलने वाले हैं. क्या कमाल का टैलेंट है. ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे जो क्रिकेट मैच देखा है आज, मैं रियली बिलीव ही नहीं कर सकता कि जो बच्चे सामने खेल रहे थे वो विजुअली चैलेंज है. और आप लोगों ने ये जो काम शुरू किया है, आई थिंक काबिले तारीफ बात है सर. रियली आप जैसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में चाहिए ताकि न सिर्फ हम अपने यहाँ पे, आई थिंक इंटरनेशनली अपने देश का नाम रोशन कर सके. सर के एक बार जोरदार तालियां. और मैं बड़ा खुश हूँ, अंटू भैया जो है उन्होंने एक्चुअली मुझे फोन किया था. अंटू भैया ने कहा कि ऐसा है सतीश जी यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हो, तुम्हें डेफिनेटली पहुँचना है. मैंने कहा मैं कुछ भी हो, यकीन मानिए मेरे दिल्ली में शो था, मैं वो कैंसिल करके यहाँ पे आया. मैंने कहा नहीं यार, शो तो बहुत हो जाएंगे, शोज बहुत होंगे, शूटिंग भी बहुत होगी, लेकिन वो शूटिंग करके फायदा क्या जहाँ पे आप लोगों का प्यार ही ना मिले. यार यहाँ पे सिर्फ प्यार बटोरने आया, लेकिन यहाँ पे सर एक और वादा करके जाता हूँ, प्लीज आप अगली बार जब भी प्रोग्राम करेंगे मुझे जरूर बुलाइएगा प्लीज. मैं रियली यहाँ पे आना चाहूंगा और बिल्कुल मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा. मैंने क्रिकेट जो खेला मुझे बड़ा मजा आया और यहाँ पे आऊंगा. और जाने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे बोल के जाना चाहता हूँ. देखिए मैंने आने का वादा किया है और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद और यहाँ पे भी मैं जब क्रिकेट मैच सुबह खेलने आया था, यहाँ पे कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे अक्षय कुमार अक्षय कुमार, तो अक्षय साहब की तरह भी एक बात बोल के जाता है यहाँ पे, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ. तो अगली बार मैं भी चाहूंगा कि मैं ज्यादा. क्या बात है, इतनी खूबसूरत लेडी सामने बैठे. सर ये आपके परिवार से
नमस्ते, कैसी हैं आप? अब बचपन से इतनी खूबसूरत है, बादाम का पेड़ खा लिया ना बचपन में? आप अकेली आई? ये आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी होती है। अकेली आई हूँ, हस्बैंड के साथ कौन आया हुआ? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हस्बैंड के साथ आया है वो भी अपने हस्बैंड को दूर करके कह रहा मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, आई लाइक दैट। ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है सर, मैं माफी चाहूंगा अगर नहीं है तो, है ना सर? आपको देख के वैसे लग गया था आप इनके हस्बैंड है, क्योंकि मैंने देखा वाइफ सोफे पे आराम से बैठी है, हस्बैंड जितना दुबक के बैठा है वो पति हो सकता है। और ये देखे कपिल, ये कपिल साहब है, ये कपिल साहब, मैं बताऊं, ये आप अपनी बीवी से डरते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कह रहे बिल्कुल नहीं डरता। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक और ऐसा दोस्त है दिल्ली में, मैं उसके घर गया, कहता मैं अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कहता मेरे घर में बहुत चलती है। मैंने कहा कैसे? कहता आवाज करता हूँ बीवी गर्म पानी लेके आती है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कहता हाँ मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना। लेकिन सतीश सर, मैंने आज यहाँ पे एक और बात देखी, सतीश सर इतने बड़े आदमी, लेकिन आज मैंने एक चीज देखी, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए बीवी के पीछे ही रहता है, क्योंकि सर ने सब कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो मैच कराऊंगा, मैं सभी नाइट कराऊंगा, लेकिन मैं तब तक नहीं करा सकता जब तक ये पैसे नहीं दे। विजेता बनी है, जिसे टूर्नामेंट में ट्रॉफी के अतिरिक्त 51,000 का नगद पुरस्कार मिला है, और हरियाणा के दीपक मलिक इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में 10,000 रुपये का पुरस्कार, जो श्रीमती आशा तिवारी जी की ओर से दिया जाता है। दीपक मलिक मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। इसके अतिरिक्त दीपक मलिक ने अपने मैचेस में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार भी जीते हैं, जो कि उन्हें पहले मैच जो हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में हुआ था उसमें, उसके बाद जो सेमीफाइनल मैच हुआ था उसमें श्री रामवीर को मिला है, और दीपक मलिक को सबसे खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। और